हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सोलंकी और आप देख रहे हैं ज्ञान विशेष। दोस्तों, आज हम एक चमत्कारिक और रहस्यमय जड़ी बूटी की बात करेंगे। आज की जड़ी बूटी का नाम है विदारा। जी हाँ दोस्तों, विदारा एक चमत्कारिक और रहस्यमय जड़ी बूटी है। विदारा की एक लता होती है, एक बेल होती है और ये बहुत फैलती है। इसके पत्ते हृदय के आकार के और बड़े होते हैं। इस बेल का संस्कृत नाम समुद्रसोस रुद्रदारु और अंतःकोटर पुष्पी है। गुजराती में वरदारो और समुद्रसोस से जानते हैं। मराठी में समुद्रसोक और हिंदी में विदारा कहते हैं। इसका लैटिन नाम आर्गेरिया नर्वोसा है। आयुर्वेद के अनुसार विदारा कटु, तीक्त, उष्ण, मधुर और दीपन होती है। यह कांति और धातु को बढ़ाती है और रसायन होती है। इसके अलावा यह पांडु, खांसी, क्षय और प्रमेह को मिटाती है और घाव को शीघ्र भरती है और बलवर्धक होती है। दोस्तों, यह जड़ी बूटी इतनी चमत्कारिक है कि यह कटे हुए मांस को भी जोड़ देती है। आदिवासी क्षेत्रों में इसके कई किस्से सामने आए हैं। आदिवासियों के अनुसार अगर मांस के टुकड़ों को इसके पत्तों में लपेटकर कुछ घंटों तक रखा जाए तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। इतना सामर्थ्य है इस जड़ी बूटी में। दोस्तों, इसके पत्तों में चमत्कारिक गुण होता है। इसके पत्ते को घावों पर सीधा बांधने से घाव शीघ्र भर जाते हैं, जबकि पत्ते को उल्टा बांधने से फोड़े और फुंसी पक जाते हैं। गैंग्रीन जैसी खतरनाक बीमारी में विदारा बहुत फायदेमंद है। गैंग्रीन की बीमारी में इसके पत्तों को कुटकर रस निकाले और उस रस से गैंग्रीन वाली जगह को धोए। यदि घाव गहरा हो तो विदारा के रस में रुई को डुबोकर घाव में भरे और विदारा के ताजे पत्तों में घी लगाकर गर्म कर उस जगह पर बांधे। उसे 10-12 घंटे तक बंधा रहने दे, फिर पत्ते को बदल दे। ये प्रयोग लगातार लंबे समय तक करे, इससे घाव भर जाते हैं। विदारा की जड़ को दूध और अरंडी के तेल के साथ पीने से वात जनित रोग और घुटनों का दर्द मिटता है। इसकी जड़ का चूर्ण कांजी के साथ खाने से गजपांव जैसी भयानक बीमारी भी छूट जाती है। इसकी जड़ बलवर्धक और रसायन है। इसकी जड़ का सूक्ष्म चूर्ण बनाकर घी के साथ चाटने से बल की वृद्धि होती है, नपुंसकता मिटती है और औज और कांति की बढ़ोतरी होती है। चेहरा चमकदार बनता है और बुढ़ापा दूर होता है। इसके अलावा इसके फलों का रस 10 ग्राम की मात्रा में निकालकर घी और शहद के साथ चाटे और ऊपर भैंस का दूध पिए। यह प्रयोग लगभग एक मास तक करने से बल बहुत बढ़ता है और कुष्ठ, खांसी तथा अनेक रोग मिटते हैं। सभी प्रकार के चर्म विकार नष्ट हो जाते हैं। यह अल्सर में भी बहुत लाभकारी है। यदि अतिसार के साथ रक्तस्राव हो रहा हो, ऐसे में विदारा के पत्तों को कुटकर इसका रस निकालकर थोड़ी मिश्री मिलाकर इस रस को खाली पेट पीने से रक्तस्राव तुरंत बंद हो जाता है। दोस्तों, ये औषधि बाहर के जख्मों को ठीक करने के साथ ही अंदर के जख्मों को भी भर देती है। इसके पत्तों का रस निकालकर थोड़े दिनों तक सेवन करने से अंदर के घाव भी भरने लगते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज की ये जानकारी आपके जीवन में लाभकारी सिद्ध हो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।